हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू गोभी की सब्ज़ी, वो भी जैसी शादियों में मिलती है वैसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गरम पानी में 2 प्याज और 3 टमाटर काट कर डाला है। 1 चम्मच के आसपास मैंने धनिया डाला है, साबुत धनिया। 1/2 चम्मच से भी कम मैंने जीरा डाला है। 2-3 काली मिर्च डाली है। 1 टुकड़ा अदरक डाला है। 2-3 लहसुन डाले हैं और 1 लाल मिर्च डाली है। इसको हम 7-8 मिनट पकाएंगे, फिर ठंडा करके मिक्सी में पीस लेंगे। अब कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद गोभी उसमें फ्राई कर लेंगे। गोभी को पूरा अच्छे से फ्राई करना है, पूरा एकदम गोल्डन ब्राउन तक। फिर उसी कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ है उसमें हम आलू फ्राई करेंगे। आलू भी गोल्डन ब्राउन तक, सुनहरा होने तक उसको भून लेंगे। तो बस आधे से ज़्यादा काम तो हो ही चुका है। तो अब जो कढ़ाई में तेल बचा है उसमें जो मसाला हमने पीसा था ना मिक्सी में, वो डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे। अब इसमें हम मसाले डालेंगे, हल्दी, नमक, धनिया, जीरा, कस्तूरी मेथी और गरम मसाला। क्वांटिटी मसालों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे फ्रेंड्स, कम मसालों में भी अच्छा बन जाता है। अब मसालों को तब तक भूने जब तक किनारों से तेल ना दिखने लगे। और ये जो मसाले जो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये चिपक के एक पास आ जाएंगे। कहने का मतलब मसाला पूरा सूख जाएगा और सूखने के बाद ना वो किनारों से तेल छोड़ने लगेगा थोड़ा थोड़ा। अब इसमें आलू और गोभी जो फ्राई किए थे वो डालेंगे, अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से चलाएंगे। 2 से 3 मिनट यहाँ पे पकाएंगे कि जो ये आलू और गोभी है ये अच्छे से मसालों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आलू गोभी ने फ्लेवर जो है मसालों का एब्जॉर्ब अच्छे से कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी कितना डालना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी पतली चाहिए कि मोटी चाहिए। आपको जैसी ग्रेवी पसंद हो आप उतना पानी डालें। पानी डालने के बाद ढक के हम इसे 5 से 6 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में ढक्कन हटाकर हम चलाते भी रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको और अच्छा कलर चाहिए तो आप कश्मीरी मिर्च डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती, मुझे रंग से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो टेस्ट चाहिए, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रंग के पीछे नहीं भागती। तो हमारी आलू गोभी की सब्ज़ी एकदम तैयार है। देखिए देखने में कितनी अच्छी दिख रही है, खाने में भी बहुत अच्छी बनी है। फ्रेंड्स, आप ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड्स, 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।